नाज़रीन ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। हम इस सेगमेंट में भी आवाम से बात करेंगे, लेकिन हमारे नुमाइंदगान और रेलवे के नुमाइंदगान हमारे साथ होंगे। इस सेगमेंट में हम खुशामदीद कहते हैं राना फाहद साहब को, हमारे नुमाइंदे हैं। हमारे साथ मियां महमूद नियाना साहब मौजूद हैं और ये भी हमसे बात करेंगे। हमारे साथ और भी दीगर रेलवे के जो मुलाजमीन हैं वो हमसे बात करेंगे। हम इस सेगमेंट में पूछने की कोशिश करेंगे कि हो क्या रहा है रेलवे में, कि टिकटों में और किरायों में जो इजाफा है, कीमतों में जो इजाफा है, उसका फ़ायदा क्या रेलवे मुलाजमीन को हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर तो टिकटों की कीमतों में इजाफा होता है तो मुसाफिरों की सहूलियात में भी इजाफा होना चाहिए, तो क्या सहूलियात में इजाफा हो रहा है या नहीं हो रहा। राना फाहद साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानने की कोशिश करूँगी, नए पाकिस्तान में हम एंटर हो चुके हैं और रेलवे स्टेशन का हमारा नए पाकिस्तान में होते हुए पहला जो है वो दौरा है। हमने खारा सादर वीक के दौर में भी यहाँ पर प्रोग्राम किए और आप भी उस प्रोग्राम में हमारे साथ थे। अब ये बताइए, किरायों में इजाफा हो गया, कैसा फीडबैक आ रहा है आवाम का? देखिए जी, ये तो आवाम से सरासर जुल्म और ज्यादती है कि रेलवे के किरायों में इतना ज्यादा इजाफा एक ही दफा कर दिया गया है। यानी कि आज अगर आप कराची की बात करें, अगर लाहौर से जो कराची जाने वाला मुसाफिर है वो पहले अगर 5200 रुपया टिकट अपने खर्च करता था, 5200 रुपये में कराची पहुंच जाता था, आज उसका किराया जो है वो 5800 रुपये तक जो है वो बढ़ गया है, 5800 रुपये उसका किराया हो गया है। अब एक मजदूर तबके का बंदा जो सारा दिन मेहनत मजदूरी करता है और वो जो है वो घर में खाना खाने के लिए उसके पास दो वक्त की रोटी मैसर नहीं है उसको, मगर अब किराया जो है वो 600 रुपया इकट्ठा वो कहाँ से देगा इतना किराया। ठीक है, किराया को 10-20 रुपये 50 रुपये 100 रुपये तक बढ़ा दिया जाता तो आवाम पे इतनी मुश्किल ना आती, मगर अभी अब ये देखें कि 6-650 रुपया किराया जो एसी पार्लर का बढ़ाया गया है, इसके अलावा इकोनॉमी क्लास का। आपकी तनख्वाहें बढ़ी हैं? तनख्वाह होती नहीं हमारी, बढ़नी क्या है? अच्छा। नहीं, तनख्वाह नहीं होती। सहूलियात मिलती हैं आपको कोई? सहूलियात हाँ, रूम मिला हुआ हमें, वो पुराना ही ख्वाजा सादर वीक के दौर का। उसके अलावा वो शेख रशीद साहब ने आपके लिए क्या किया? अभी फिलहाल तो कुछ नहीं किया। खुश हैं आप शेख रशीद साहब से? हम तो खुश तो खुशी हैं, बस ये गाड़ी चलती रहे तो खुशी खुश है। ख्वाजा सादर फीक साहब ज़्यादा अच्छे थे या शेख रशीद साहब ज़्यादा अच्छे हैं आपके हक में? दोनों ही अच्छे हैं, क्योंकि उसने ख्वाजा सादर फीक ने रेल को चलाया था, मुर्दा रेल को जिंदा किया था, इन्होंने वो रनिंग को जारी रखा है। ठीक है, चले ठीक है। महमूद साहब, किरायों में इजाफा हुआ, कीमतों में इजाफा हुआ, आप लोगों को क्या मिला, सहूलियात क्या मिली? ये तो जो किराए में इजाफा हुआ इसे रेलवे का रेवेन्यू तो बढ़ेगा, लेकिन जो रेलवे का रीढ़ की हड्डी हैसियत रखता है टेक्निकल स्टाफ, वो पिछले 10-15 साल से अपग्रेडेशन मांग रहा है, उनको अपग्रेडेशन नहीं की जा रही उनकी पोस्टों की, जो कि सरासर ज्यादती है। उनके मकान देख लें, उनके घरों को देख ले, इतनी गंदी हालत है, और उसमें भी हमारे से 5% काट रहे हैं, पैसे काट भी रहे हैं लेकिन उसका कुछ कर भी नहीं रहे, और मजदूर को तो बिल्कुल मार दिया, टेक्निकल स्टाफ को बिल्कुल मार दिया, और बाकी कैटेगरी क्लरिकल और दूसरे ड्राइवर ड्राइवर इनको तो बहुत पैसे बढ़ा दिए। 100 दिन में आपकी हालत हो गई? इस 100 दिन में तो और ही पतली हालत हो गई है ना। अच्छा। ये नया पाकिस्तान, अजीब पाकिस्तान है ये। नया पाकिस्तान आपको भी रास्ते नहीं आया? नहीं, कोई नहीं रास्ता आया। बात क्या हो रहा है, 100 दिन में कहते हैं हमारी हालत जो है वो और पतली हो गई। देखिए ये टेक्निकल स्टाफ है, ठीक है, जो इस रेल को चलाता है, रेल को चलाने में टेक्निकल स्टाफ ऐसे ही है जैसे ये रेल की रूह, इसको कहा जा सकता है कि इसके बगैर रेल का पहिया नहीं चल सकता। ठीक है, और ये गुज़िश्ता 15 साल से इनका कहना है कि हमारा मुतालबा एक ही है कि हमें अपग्रेड किया जाए, जो टेक्निकल स्टाफ है उसकी अपग्रेडेशन की जाए, मगर हर दौर में जो है वो रेलवे इंतजामिया इनको मीठी गोली दे देती है और उसके बाद जो है वो सब अच्छा की रिपोर्ट दे देती है, मगर ये गुज़िश्ता जो है वो 15 साल से इनका एहतजाज भी इन्होंने किए, कल भी इन्होंने एहतजाज किया था इसी मामले में, मगर अभी तक इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। अगर रेलवे से बात की जाए, रेलवे के अफसरान से बात की जाए, तो उनका कहना है कि जी ठीक है इनके साथ ज्यादती है, मगर अभी तक जो है वो इनका काम कर रहे हैं, अगले माह में हो जाएगा, अगले माह में हो जाएगा, मगर अभी तक ये मामला। एक जो आप रेलवे टेक्नीशियन हैं तो उसकी एवरेज तनख्वाह कितनी होगी? टेक्नीशियन की एवरेज तनख्वाह जो है वो 25 से 30 हज़ार रुपया। अच्छा। और घर का अलाउंस है? घर का अलाउंस जो है वो बड़ा माइनर सा मिलता है। अच्छा। तकरीबन जो है 16-17 सौ रुपया। अच्छा। जबकि जिन लोगों को घर मिले हुए हैं उनका इतना बुरा हाल है कि उनकी मेंटेनेंस ही नहीं हो रही, जो अफसरान बाला के चहेते हैं
उनके घरों पे तो लाखों रुपया लग जाता है और जिनका कोई वाली वारिस नहीं है उनको कोई पूछने वाला नहीं है। आपके क्या मसाइल हैं? यही मसाइल हैं हमारे कि हम अपग्रेडेशन के लिए काफ़ी देर से कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। रेवेन्यू रेलवे का हर साल वो बढ़ाते हैं, हर 3-4 माह के बाद किराए बढ़ा देते हैं, लेकिन जो ये सिस्टम चला रहे हैं उन लोगों को कोई फायदा नहीं पड़ा। फासला करिए ख्वाजा साद रफीक साहब का शेख रशीद साहब से, दोनों के दौर को आप कैसा देखते हैं, किसने सहूलियात ज्यादा दी हैं? सहूलियात तो अभी इन्होंने तो कुछ ही अरसा हुआ है ना, 100 दिनों में इन्होंने क्या देना था ये, लेकिन शेख रशीद साहब का पुराना रिकॉर्ड तो अच्छा है, इन्होंने हमें एक स्केल दिया था 2007 में जो अभी तक हमें फायदा हुआ है, लेकिन बाद में उसका फायदा भी हमें खत्म हो गया था, वो टेक्निकल सी बात है। टिकटों के जो किरायों में इजाफा हुआ है, कीमतों में इजाफा हुआ है टिकटों की, उससे आपको क्या फायदा होगा या फिर रेलवे को क्या फायदा होगा? रेलवे का रेवेन्यू तो बढ़ेगा ना, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन आवाम पे बोझ बढ़ेगा। आवाम पे बोझ बढ़ेगा तो फायदा तो फिर रेलवे के जो मुलाजमीन है उनको भी होना चाहिए। मुलाजमीन को तो जब कोई अनाउंसमेंट करेंगे कुछ रेलवे के मुलाजमीन को देंगे तो फिर फायदा होगा ना। किस बेसिस, किन बुनियादों के ऊपर टिकटों में जो किराया है उनमें इजाफा किन बुनियादों पर किया गया? सिर्फ ये कह देना कि डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ इस वजह से तो ये आवाम का कसूर है? देखिए जी, जो रेलवे का मौका है उसका कहना है कि डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ है, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया जिसकी वजह से ये कीमतें बढ़ाना ज़रूरी हो गया था। अब आप देखेंगे 10 से 19% तक कीमतें बढ़ाई गई हैं, यानी कि जो आम मुसाफिर है, जो जैसे यहाँ से कोई फैसलाबाद जाए, सियालकोट जाए, शेखुपुरा जाए, नारोवाल और इसी तरह ओकाड़ा समेत दीगर साहिवाल इन शहरों में जाए, उनके लिए जो है वो इकोनॉमी, क्योंकि होती इकोनॉमी ज़्यादा क्लासेज है उसमें, अब उसके लिए जो इजाफा है वो 20 से 30 रुपये तक इजाफा है, ठीक है, इकोनॉमी क्लास में उसका किराया 20 से 30 रुपये बढ़ा है, मगर जिस मुसाफिर ने यहाँ से कराची जाना है, सखर जाना है, कोटरी जाना है, रोहड़ी जाना है या कोयटा जाना है, पिशावर जाना है, इन मुसाफिरों के लिए इजाफा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो एसी स्लीपर है, मैंने आपको बताया एसी स्लीपर में जो है वो बिजनेस एक्सप्रेस के एसी स्लीपर का 500 रुपये किराया बढ़ा है। कहाँ जा रहे हैं आप? नारंग मंडी। कीमतों में इजाफा हुआ टिकट की? बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। मैं तो शेख रशीद की इस बात से जो है परेशान हूँ कि शेख रशीद साहब ने हमारे ट्रैक पे कह दिया है कि हमारे ट्रैक वाले पैसे नहीं देते और हमें एक ट्रेन बंद करवा दी है हमारी, ये नहीं था होना चाहिए। हमारी नारोवाल का रूट बंद हो गया, नारोवाल की ट्रेन चलने लगी थी रात वाली, शेख रशीद साहब ने नहीं चलने दी, शेख रशीद साहब की वजह से ये ट्रेन नहीं चल रही थी, ख्वाजा साद रशीद साहब उसे चलाने लगे थे। जब से शेख रशीद साहब बने हैं हमारे ट्रैक जो है ना, ट्रेनें बड़ी लेट आ रही हैं, इंतहाई जो है एवरेज आप बता सकते हैं नारोवाल से लाहौर और लाहौर से नारोवाल आने जाने वालों का का तनासुब कितना था, कितने लोग आया करते थे? अभी भी डब्बे जो है वो तकरीबन हमारे इलाके से तकरीबन 400-500 लोग जो है रोजाना की बुनियाद पे आते हैं और वो बेचारे बसों पर धक्के खाते हैं। अच्छा राना फाज साहब, अगर एक स्टूडेंट भी नारोवाल से लाहौर आता है रेलवे का सफर करके तो रेलवे का फर्ज है कि उस एक स्टूडेंट को भी आप फैसिलिटेट करें। दुनिया में ऐसी मिसालें मिलती हैं कि चीन जैसे मुल्क एक स्टूडेंट के लिए भी अगर उन्हें ट्रेन चलानी पड़े तो चलाते हैं। ये कहते हैं रोजाना की बुनियाद पर 400 लोग आते हैं नारोवाल से और आप ट्रैक बंद कर देते हैं, वहाँ पे ट्रेन भेजना बंद कर देते हैं। देखिए यही सूरत हाल है कि नारोवाल, वजीराबाद और जो है वो शाहकोट, सियालकोट, इसी तरह ननकाना साहब आप चले जाएं, ननकाना साहब, इन तमाम ट्रेनों पर रेलवे इंतजामिया की जानिब से अहकाम जारी किए गए थे जनाब कि हम नई ट्रेनें 10 दिन, इन 100 दिनों में 10 ट्रेनें नहीं चलानी है। नई ट्रेनें तो चला दी गई मगर इन ट्रैक्स पे जितनी भी ट्रेनें जाती थी ना उन तमाम ट्रेनों की बोगियां उतार ली गई। अब इनका मौकफ यह है कि इस ट्रैक पे जो है वो मुसाफिर नहीं है जबकि सबसे ज्यादा मुसाफिर भी इन्हीं ट्रैक्स पे है। एग्री करते हैं आप? एग्री। 400 लोग रोजाना? बिल्कुल। और हमारे ट्रैक में वो लोग हैं जो बसेस वगैरह का अलाउड उसको दे ही नहीं सकते उसका किराया। उसमें ज्यादा स्टूडेंट्स ज्यादा होंगे। वो लोग हैं जो रोजाना की बुनियाद पे घर से सुबह निकलते हैं, जो है वो अपने ऑफिस में, अपने कॉलेजेस में स्टूडेंट्स हैं, इनमें खवातीन बच्चियां स्टूडेंट्स हैं जो है वो अपने घरों से आती हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए और शाम को उन्होंने उसी ट्रेन पे वापस घर जाना होता है। ये वो लोग थे जो रोजाना सुबह अपने घरों से निकलते हैं, लाहौर पहुंचते हैं, अपना काम करते हैं और शाम को उसी ट्रेन पे, जो शाम को ट्रेन जाती है वापस, उस पे घर चले जाते हैं। अच्छा, आप कुछ कहना चाहते हैं? आपका कोई मसला है? नहीं, मेरे तो। अच्छा, तो कहाँ जा रहे हैं आप? मैं पतों की जा रहा हूँ। कितने की टिकट ली आप? मेरी 172। और पहले कितने की थी? पहले तकरीबन 160 के करीब। उसमें भी इजाफा हुआ है, ठीक है। अच्छा, मेरी एक महमूद साहब इधर मौजूद है, महमूद साहब से मेरा एक सवाल है कि आप लोगों की जो अपग्रेडेशन का मसला है
वो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जो मेरे नॉलेज में जो बात आई है, जो मुझे पता चला, वो ये मामला था, रेलवे इंतजामिया को पता है अगर इनकी अपग्रेडेशन करते हैं तो इन्हें अलाउंसेस की मद में, इनके तनख्वाहों की मद में ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं और रेवेन्यू जो है इनके पास है नहीं। अब जो ये दावा किया जा रहा है रेलवे की जानिब से कि रेवेन्यू बढ़ा दिया गया है, रेवेन्यू बढ़ गया है पिछले जो है वो 4 माह में या 6 माह में, शेख रशीद साहब जितनी देर आए हैं उसमें 2 अरब रुपए की इजाफी इनकम हुई है रेलवे को, ये शेख रशीद साहब का क्लेम है। तो फिर अगर रेलवे का रेवेन्यू बढ़ रहा है तो मुलाज़मों के साथ क्या ज्यादती है, क्यों ज्यादती की जा रही है? ज्यादती की जा रही है, बुजुर्ग हैं, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ जा रहे हैं? हम नवाबशाह जा रहे हैं। तो कीमतों में इजाफा हुआ है टिकट की? नहीं, कोई हमें तो नहीं लग रहा है। अच्छा, इंतजामिया कैसी है, रेल अंदर सफाई कैसी है, स्टेशन की हालत कैसी है? पहले से बेहतर है। जब शेख रशीद साहब आ जाते हैं ना तो सारी चीज़ सही हो जाती है। हाँ, बाकी हमने नहीं देखा कि कोई अच्छा किसी ने काम किया हो। बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप कहाँ जा रहे हैं? सामने कराची के जा रहा हूँ। शिकायत है आप? जी बिल्कुल शिकायत है। शेख रशीद साहब आज से 5 दिन पहले कह रहे हैं, इनसे 100 दिन का वो मेरा है, ये जो पैनर इन्होंने दिया हुआ था, मैंने 2 करोड़ रुपया कमा के दिया है। जो दारा 2 करोड़ कमाएगा उसको ज़्यादा पैसे करने की क्या ज़रूरत है? टिकट में इजाफा, आपने टिकट ले ली? मैंने टिकट तो ले ली। हर गरीब आदमी जो तंग आया हुआ है, ये तो 100 रुपया की नहीं तो 500 भी करेंगे, गरीब आदमी तो जाने अपने घरों में, किसी ने इधर रहने तो है नहीं है। बहरहाल बहुत जास्ती है, पहले जब एक हेलमेट की थी फिर दूसरे हेलमेट की, अब ये गाड़ी की, अल्लाह इनकी हुकूमत को अकल दे तो इनका बदलने का टाइम आ गया। जाते जाते बता दें वोट किसको दिया था? मैंने तो शेर हूँ तो शेर को डाला बस। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अच्छा, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? जी मैं मुल्तान से आया हूँ। पहले 560 रुपए का किराया था इसी कराची एक्सप्रेस का, अब ये टिकट है 730 रुपए की टिकट मैंने ली है, 180 रुपए मुल्तान तक का किराया उन्होंने बढ़ा दिया है और कराची तक पता नहीं अल्लाह जाने कितना बढ़ गया है। बहुत ज़्यादा जुल्म है अवाम के लिए। खुदा रहा इस हुकूमत को अल्लाह मियाँ हदायत दे कि अवाम के कोई मसाइल हल करें। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अच्छा जी, दोबारा से हम आते हैं महमूद साहब की जानिब। आपसे फहद साहब ने एक सवाल पूछा था मुलाजमीन के हवाले से, क्या जवाब देंगे? इस तरह के ये जो रेलवे जब पाकिस्तान बना, पाकिस्तान बनने से आज तक 2018 तक रेलवे के टेक्निकल मुलाजम उसी जॉब पे उसी स्केल पर काम कर रहा है और इसके साथ जो दूसरी कैटेगरीज है उनको अपग्रेड कर दिया गया। जैसे ट्रैफिक की ये कैटेगरी है, एक पॉइंट्स मैन, उसको पहले से 5वें स्केल में कर दिया गया। हमारा मामन जो टेक्निकल है वो पहले स्केल में ही है आज। हमारा जो स्किल्ड है वो 6वें स्केल में, और जो असिस्टेंट ड्राइवर भर्ती होता था 6वें स्केल में 1976 में, वो अब भर्ती हो रहा है 9वें स्केल में, हमारा उधर ही भर्ती हो रहा है। हुकूमतें आती रही हैं, हुकूमतें जाती रही हैं, आपके मामलात के बीच में अटके रहे, वजह क्या है? की वजह ये है कि पाकिस्तान रेलवे को CS अफसरान ने घेरा हुआ है। जो ऊपर मैनेजमेंट है सारी उनकी है और इंजीनियरिंग ग्रुप जो है उसको पसे पर्दा डाल दिया गया। चूँकि हम इंजीनियर नहीं होंगे तो ट्रेन कैसे चलेगी? यही तो बात हम कह रहे हैं कि जब हम गाड़ी तैयार करके लाइन पर लाते हैं, इंजन तैयार करके लाइन पर लाते हैं, फिर ड्राइवर इसको चलाता है। जब सब कुछ हम करके देते हैं इनको, हमें कुछ नहीं है, उनको बेसिक का भी 55% मिलता है, उनको माइलेज भी मिलता है, उनको ढेरों पैसे देते हैं और टेक्निकल मुलाजम वो उधर का उधर ही है। हम इसके लिए हमने बहुत इंतजार किया लेकिन जो ऊपर ट्रैफिक के अफसरान बैठे हैं ना, तमाम मैनेजमेंट उनके हाथ में है। चले, वो अंकल जो है वो हमसे भी बात करके गए थे, वो दिखा रहे हैं, एक सेकंड जरा बताइएगा। हाल देखें, किरायों का तो उन्होंने किया हुआ है, सीटों तो पूरी करें। शेख साहब आपके बहुत वादे थे, मैंने पिंडी में आपको देखा था, ये वादे अपने पक्के करें। ये सीटें ऐसे रख के किराए बधाए नहीं जाते, वैसे जेब काट लें लोगों की। ये आपने हुक्मरानी जो कर रहे हैं ना, छीनी कर रहे हैं। ये आपकी सीट है, ये देखें सीटें, ये रखी हुई हैं, ये भरी हैं सीटें, ये लंबरों की सीट ही नहीं है। एक्स्ट्रा डब्बे लगा के तो लूटने वाला काम किया हुआ है। 1900 रुपये की 1500 की टिकट जो 1900 की लगाई हुई है, ब्लैक में लूँ तो 200-300 ज्यादा दूँ। किसी टूटी हुई सीट पे बैठ के आप कहाँ जा रहे हैं? मैं कराची जा रहा हूँ जी, इस उम्र में मैं क्या सफर करूंगा मेरे को ये बतलाएं। तो आपकी कमर में दर्द हो जाएगी? मैं वही कह रहा हूँ ना, अंदर वाले अंकल भी कुछ बता रहे हैं, बताइएगा। ना लंबर ना कुछ ना कोई। अच्छा, क्या कह रहे हैं? जास्ती, बहुत जास्ती। ठीक है नाजीन, ये हालत है। सारे में जाए तो 40% कम करे, ये 200 करोड़ रुपया
फंड में जमा कराए तो ये ऊपर रेट करे। यार क्या पागल बना रहे हो आवाम को, कोई इंसान बनो यार। अब मुझे ये फिक्र है कि आप इतनी टूटी हुई कुर्सी के ऊपर बैठ के कराची तक कैसे जाएंगे? तो भाई है ये, मैं कोई घर से तो लेके नहीं आया, ये देखे ये क्या है, मैं कोई घर से थोड़ी लेके आया हूँ। ये इन्होंने रेलवे वाले ने चोर डब्बे डुब्बे करके मैंने 124 गाड़ियां चला दी। ओ खुदा का खोखा यार शेख, जाके पावे खा कुछ बाजार में, तू तेरा काम नहीं है वजारत करने का। पहले पाकिस्तानी, फिर पीडीआई, तो फिर पीपल पार्टी, तो फिर ये नवाज शरीफ लीग। मैं कहता हूँ पाकिस्तानी बनो, पाकिस्तान का सोचो। ये खुदा का खौफ खाओ, रेलवे को क्यों लूट के खा रहे हो? ये देखो ये सिटी है, खुदा का खौफ खाओ तुम लोग। ये रेलवे में इम्प्रूवमेंट कोई खास नहीं है, पहले की तरह हाल है, लेकिन किराए दुगने कर दिए गए, जो कि मुकम्मल ज्यादती है इंसानियत के साथ। जो लोग ये दावे करते थे वो मुकम्मल फेल हो चुके हैं उस दावे में। 3 महीने की कारकर्दगी आपके सामने, हम पाकिस्तानी हैं, हम जिस चीज़ का नारा लगाते थे कि हमें अच्छा पाकिस्तान मिलेगा, नया पाकिस्तान मिलेगा, लेकिन उसके मुतजाद अपोजिट पाकिस्तान मिल रहा है। बज़ाहिर तो यही नज़र आ रहा और अमली तौर पर भी यही नज़र आ रहा है। काइंडली पाकिस्तानी बनकर सोचें ना, कि अब आप देखें डॉलर की कीमत कहाँ जा रही है, हम गरीब लोग किधर जाएँ, कैसे जिएं। खुदा रहा कुछ इस मुल्क पर रहम करें। अब 20% रेलवे में कराया, आज 200 रुपए एक्स्ट्रा दे। अंकल आप कुछ कह रहे हैं? ये देखें, 6 बार से मिल रही है टिकट 630 रुपए की, ये अब बढ़ा है, अंदर से टिकट लिए 770 रुपए की। काइंडली ये जो नई, ये नया पाकिस्तान नहीं, हमें पुराना ही अच्छा है। हम किसी जमात का मुतालबा नहीं करते, हम कहते हैं काइंडली आवाम पर रहम किया जाए। अच्छा सीट मिल गई आपकी, सीट तो टूटी हुई नहीं? नहीं सीट तो नहीं टूटी हुई, लेकिन और बहुत सी शिकायत है। जैसे? जैसे कि जब मौसम गर्मी का होता है तो हम लोअर एसी की टिकट करवाते हैं, तो सारे रास्ते में एसी खराब होता है, चलता नहीं है, अभी तो मौसम ठीक है। इस तरह की बेशुमार शिकायतें हैं। वॉशरूम ठीक है? नहीं जी वॉशरूम भी ठीक नहीं है। हमें दिखाएंगे वॉशरूम कैसा है? हम तो देख लेते हैं, गंदा ही होगा क्योंकि वॉशरूम। कैमरामैन से गुजारिश करूंगी जरा जाके दिखाएं वॉशरूम जो है वो कैसा है। ओहो ओहो, बेहतर है कि हम बाहर आ जाएं, ये आपने देखा है। तो इसी को यूज करेंगे आप? जी यूज तो इसी जा रहे हैं, लेकिन ये अभी फिर भी ठीक है। जब आप खाने वाले के बाद इसको देखेंगे ना, फिर देखने के काबिल नहीं होगा। जी कहाँ जा रहे हैं? तो सफाई का निजाम नहीं है। जी ठीक है, एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि अब ये वो ट्रेनें तो चला रहे हैं जो कराची तक है, लाहौर से कराची तक है, ठीक है। अब इसमें वीआईपी भी आते हैं, लोकल्स लोग भी आते हैं, ठीक है। अब यहाँ से फैसलाबाद तक कोई नहीं चल रही, मतलब लोकल जो लोग हैं ना, लोकल लोग हैं, अब वो उनको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। अब मैंने खुद यहाँ शेखुपुरा जाना है, दिन में सिर्फ 2 ट्रेनें चलती हैं, ठीक है, बहुत मुश्किल होती है। पहले आज से मैं तकरीबन, मुझे छोटे से आ रहा हूँ, मैं लाहौर पढ़ता हूँ, यहाँ पे यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, ठीक है। तो पहले कम से कम 7-8 ट्रेनें चलती थी, अब वो भी कोई नहीं है। स्टूडेंट के लिए ये अजियत हो चुकी है, अब बहुत ज़्यादा अजियत हो चुकी है, क्योंकि जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं ना, गांव से बिलोंग करते हैं, उन्हें डेली आना पड़ता है लाहौर में। कुछ एम्प्लॉय हैं, कुछ जो स्टूडेंट्स हैं, तो उन्हें बहुत मुश्किल पेश आती है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ मुसाफिर हैं, इनसे बात करते हैं। कराची जा रहे हैं? साहिवाल। साहिवाल जा रहे हैं आप? मुल्तान। अच्छा पीछे एक मुसाफिर से हमने बात की, उसकी कुर्सी टूटी हुई थी, जिसको उसने जिस कुर्सी के लिए पैसे दिए, सीट के लिए। आपकी ट्रेन का हालत कैसे बयान करेंगे? ठीक है ट्रेन की हालत ठीक है, लेकिन टिकटों का निजाम बड़ा गलत है। अच्छा महंगाई हो गई? महंगाई भी हो गई और विंडो एक है, लोग ज्यादा है, तो इसलिए उसमें बड़ा टाइम लगता है। 4 बजे का लाइन पे खड़ा हूँ, 4:45 बजे बारी आई है। ठीक है, तो इसके अलावा और नया पाकिस्तान कैसा लग रहा है? रेलवे की सूरत हाल कैसी लग रही है? नए पाकिस्तान से पुराना पाकिस्तान ज्यादा अच्छा था, तो हमें दोबारा वही पाकिस्तान चाहिए। ये नया पाकिस्तान जो है ये इमरान खान साहब अपने पास ही रखें और अपने घर में ही रखें। ये पाकिस्तान नाराज क्यों है खान साहब से आप? जितनी तवक्कुआत थी हमें जितनी ज्यादा तवक्कुआत थी उसके मुताबिक कोई काम भी नहीं हो रहा। हम जो गरीब है वो गरीब से गरीब तरीन सतह पे जा रहा है। हाँ जी, तो यही कहेंगे जी, ये नया पाकिस्तान ऐसा नहीं चाहिए। आप क्या कहेंगे, नया पाकिस्तान कैसा है? नए पाकिस्तान से ज्यादा बेहतर पुराना था। जो ख्वाजा साद रफीक ने रेलवा किया वो बहुत बेहतर था, ट्रेन की टाइमिंग बहुत बेहतर थी, किराया बहुत ज्यादा बढ़ गया। आज करीबन 60 रुपीज किराया ज्यादा दिया साहिवाल से लाहौर का, तो ये चीज़। नाज़रीन हमें हमारे प्रोग्राम में राहील सैयद साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है, हमने अवाम के जो व्यूज़ हैं वो जाने हैं। और बेशतर लोग जो हैं वो नए पाकिस्तान से परेशान हैं, क्योंकि नए पाकिस्तान में आते साथ ही उनके ऊपर महंगाई का बम गिरा है।
चीज़ें महंगी हुई हैं खाने पीने की, इसके अलावा जो सफरी सहूलियात थी उनकी कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है, टिकटों की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा अफसोस उस शहरी से बात करके हुआ जिसने 1800 की टिकट ली और उसके पास बैठने के लिए कुर्सी जो थी वो भी टूटी हुई थी और लाहौर से कराची तक का सफ़र वो टूटी हुई उसी कुर्सी पर बैठ कर करेगा। ये जो गुफ्तगू का सिलसिला है हम जारी रखेंगे, इसके अलावा अपने नुमाइंदगान से भी हम बात करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए।